ECAT मैथमेटिक्स FSC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 जो कि है वेक्टर्स। और इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो सेकंड है जिसे हम डिस्कवर करेंगे वो है टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इन टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड हुज एजेस आर, जो उसका एक एज है किनारा है वो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए वेक्टर से, जो कि इक्वल टू है 4i-2j-k के। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके डायरेक्शन वेक्टर्स के ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन शो कर देता हूँ। इसी तरह बी वेक्टर जो है इसका दूसरा एज जो है वो i+3j-3k है, और जो थर्ड एज है उसका जो कि पैरेललोपिप्ड एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो उसका जो थर्ड एज है वो वेक्टर सी से रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि इक्वल है 5i+2j+4k के। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कहते हैं कि एक जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ एक ऑब्जेक्ट ने वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, जैसे इस पैरेललोपिप्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर फर्ज करें ये इसकी एक साइड है, ठीक है, इस तरह से हमें नज़र आ रही है। अब इस तरह से बहुत से कॉपी के पेज अगर लाए जाए और एक दूसरे के साथ रखते रखते एक और नई डायमेंशन बना दी जाए, ठीक है, कि ये थर्ड डायमेंशन बन जाए इसकी, इस तरीके से ये जो शेप बनेगी इस तरह से यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ये पैरेललोपिप्ड। ठीक है, अब इसकी ये जो फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं, साइड्स नज़र आ रही है एजेस, उसमें से एक एज फर्ज कर लें ये ए वेक्टर है। ठीक है, इसका जो ये एज है इसे हम बी वेक्टर कह देते हैं, और इसे हम कह देते हैं ये सी वेक्टर है। तो अब अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया जाए, यानी मैं यूं लिखूं अगर कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए इसमें एक लेंथ बन गई। ठीक है, फर्ज करें अगर मैं इस साइड को कहता हूं कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये हाइट है। ठीक है, तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट क्या होता है? वॉल्यूम। अब इसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? इसके लिए हम इसको जो है वो डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर बी और सी, और इस तरह से इस ब्रैकेट्स के अंदर इसे लिखते हैं। ठीक है, अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि हम इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट रो है वो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे, यानी फर्स्ट आई कंपोनेंट, देन जे और लास्ट में के। ये इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, फिर सेकंड रो में बी के कंपोनेंट्स आने, यानी 1, 3 और -3, और सी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो है वो लास्ट रो में आने चाहिए जो कि है 5, 2 और 4। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, हम देखें फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। अब जिस रो और जिस कॉलम में ये एंट्री लिखी है उसको छोड़ दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 2 को 3 से +3 आएगा, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, नेगेटिव साइन की वजह से, और चूंकि इनका डिफरेंस लिया जाता है इसलिए ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बातें ऑलरेडी हम जानते हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह -2 से अगर एक्सपेंड करेंगे तो जिस रो जिस कॉलम में एंट्रीज उनको छोड़ देंगे, 1, 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा, और 5, 3 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनता है, ये -15, लेकिन माइनस के साइन की वजह से दो दफा माइनस या मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, +15 हो जाएगा। इससे लास्ट में ये -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे इंटू, अब जिस रो जिस कॉलम में एंट्रीज उनको छोड़ देंगे, 2, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, और 5, 3 से मल्टीप्लाई 15, 2 में से 15 माइनस करेंगे, -13 बच जाएगा। ठीक है, यानी 6 और 12
18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस ये 15 और 4 19, 19 का डबल होता है 38 और प्लस ये देखें 2 में से 15 माइनस करें माइनस 13 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 13 आता है। तो 38 और 72 ये बना 110 और इसमें 13 ऐड करें तो 123 बनता है जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे और हम इसे मार्क कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन दैट हैज द वेक्टर्स, यानी जो टेट्राहेड्रन है अगर मैं इस शेप को बनाऊं 4 फेसेस वाली शेप, ठीक है, अगर ये इसकी बेस है फर्ज करें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, एक सॉलिड फिगर है, ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट इससे, इसी तरह ये भी इससे और ये थर्ड पॉइंट भी मिल जाए अगर आपस में, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एक शेप बनेगी इसे हम टेट्राहेड्रन कहेंगे। इसको और बेहतर बनाते हैं, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट जो है पोजीशन पर लेता हूँ ताकि ज्वाइन हुए हुए पॉइंट्स जो है वो हमें नज़र आए, ठीक है, यानी ये अगर एक फेस हो जाए इस तरह से ये, ठीक है, यहाँ से 2 फेस और बन रहे हैं, एक फेस ये बन रहा है और एक ये फ्रंट वाला, ठीक है, ये बेसिकली टेट्राहेड्रन है। अब इसके जो वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम कहते हैं कि जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, उसे हम कहते हैं। अब इसकी जो साइड्स हैं उनको बता दिया गया है कि एक साइड अगर एक वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हो, यानी चूंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो वॉल्यूम होता है उनका प्रोडक्ट, तो एक को ए कह दिया गया है, एक साइड को बी कह दिया गया है और एक डायमेंशन को सी कह दिया गया है। तो इसे लेंथ ब्रेथ हाइट बता दी गई है, हमने वॉल्यूम बताना है। तो हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, ये हमने ड्राइव किया फार्मूला कि वो 1/6 पार्ट होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, ठीक है, क्योंकि इसे पिछले अभी एमसीक्यू में हमने फाइंड भी किया था वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। तो इसमें फिर अगर हम 1/6 टाइम्स ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दें जो कि इन वेक्टर से मिलके बनेगा, जिसमें ए वेक्टर के कंपोनेंट में आई कंपोनेंट -7 है, जे 0 है और के 1 है, जबकि बी वेक्टर में अगर आप देखें तो 2 आई कंपोनेंट है, 0 जे है और 3 के कंपोनेंट है, जबकि जो सी वेक्टर है उसका आई कंपोनेंट 1, जे कंपोनेंट 2 और के कंपोनेंट जो है वो -1, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को जो है वो थर्ड रो, मतलब सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और थर्ड रो और सेकंड कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे इस बात को हम यहाँ से भी समझ लेते हैं कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एंट्री है, अब ये कौन से कॉलम में बनती है, सेकेंड में, और रो थर्ड है, तो इसके साथ जो साइन आएगा नेगेटिव का आएगा, ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन जो है वो पुट करेंगे जी इस तरीके से, ठीक है, नेगेटिव इसलिए कि इसकी पोजीशन जो है वो सेकंड कॉलम और थर्ड रो में है, 5 बनता है इनका सम इस वजह से। अब जिस रो जिस कॉलम में एंट्री इसको छोड़ देंगे हम और 3 को, यानी माइनस, बल्कि इस तरह से कहते हैं -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो -21 आएगा, ठीक है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि हम इनका डिफरेंस लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आएगी अब 1/6 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे देखें -21 -23 होता है, -23 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +46 बनेगा, तो +46 डिवाइडेड बाय 6 ये वॉल्यूम आएगा टेट्राहेड्रन का, ठीक है, जो कि क्यूबिक यूनिट्स में होगा। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा, यानी सी ऑप्शन, अगर ए बी सी के सेंस में देखें तो ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया जा रहा है, एक वेक्टर जो है वो के माइनस आई वेक्टर है, दूसरा जो है वो आई माइनस जे है और तीसरा जो है वो जे माइनस के है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जैसे भी हमने डिटर्मिनेंट के तरीके से एक्सपेंड किया था ऐसे ही इनको लिखते हैं। फर्स्ट वेक्टर का अगर आप देखें तो जे कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आई कंपोनेंट -1 है और के कंपोनेंट +1 ही हम लिखते हैं। अब सेकंड वेक्टर की अगर बात की जाए तो उसका आई कंपोनेंट 1, जे -1 है, लेकिन के इसमें नहीं है,
जीरो लिखेंगे। थर्ड में आई कंपोनेंट जीरो है लेकिन जे वन और के माइनस वन है। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, देखें माइनस वन अगर हम लिखते हैं जिस रो जिस कॉलम एंट्री इसको छोड़ देंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर प्लस वन आएगा, वन जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो, वन में से जीरो माइनस करेंगे जीरो आंसर। जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसे जीरो बना देता है, इसलिए यहाँ पर जीरो लिखेंगे और प्लस वन यहाँ पर जब लिख रहे हैं तो ये वन इस वन से मल्टीप्लाई होकर वन आएगा और जीरो माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो वन में से जीरो माइनस करें वन आता है आंसर। अब माइनस वन इंटू वन माइनस वन, जीरो अगर सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो माइनस वन ही आएगा और उसमें अगर हम ऐड कर दें वन को तो हमारा आंसर बनता है जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर फोर में अवेलेबल है, यानी डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे फिर वो हमारा एक बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जिसमें हम एक वेक्टर ए ले रहे हैं, ठीक है, इसके इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है बी प्लस सी वेक्टर से और बी प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर से, ठीक है। यहाँ पे बल्कि एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब इससे भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनमें से जो ये चार ऑप्शन लिखे हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ और देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है। यहाँ पे मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि जो ए वेक्टर है वो आई है यूनिट वेक्टर के इक्वल, बी वेक्टर जो है वो जे है और जो सी है वेक्टर वो के यूनिट वेक्टर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ए बी सी जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका होता है कि आप उसे बोल्ड कर दें, ठीक है, तो मैंने बोल्ड किया है, इसलिए बाज का मैं बार नहीं भी लगाता वेक्टर के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं भी लगाई थी ये बोल्ड मैंने किया, लेकिन चले यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। देखें इनका डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, सबसे पहले ए वेक्टर के लिए चूंकि ये आई ही है तो वन और इसके जे कंपोनेंट के कंपोनेंट जीरो है, बी प्लस सी में ए नहीं है इसलिए जीरो आएगा और बाकी वन और वन आएगा, जबकि थर्ड वेक्टर में ए बी और सी तीनों है इसलिए वन 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 आएगा। अब इसे अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें, बाकी एंट्रीज अगर आप देखें तो जीरो है, अगर एक्सपेंड भी करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। अब जिस रो जिस कॉलम में एंट्री है उसको छोड़ देंगे हम, अब वन में से वन का वन से प्रोडक्ट लें वन आता है, इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आएगा, चूंकि इनका डिफरेंस लेंगे हम जीरो, वन का जीरो से प्रोडक्ट होता है जीरो के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा और ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर या वन में ये आंसर अवेलेबल है, इसलिए हम इस ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जी। इसमें लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ आई जे के, यानी हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आई वेक्टर का जे और के से, अब इसका आंसर क्या बनेगा। देखें हम इसे लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, और ये बात हम जानते हैं कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है, इसी पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं हम। जे क्रॉस के को अगर आप देखें इस साइक्लिक ऑर्डर को अगर देखा जाए तो आई के बाद जे और जे के बाद के आता है, ठीक है। अब एंटी क्लॉक वाइज अगर हम चल रहे हो और जे क्रॉस के ले अगर हम, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आई वेक्टर के इक्वल आता है, यहाँ पे आ जाएगा आई वेक्टर और आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वन होता है, क्योंकि बाई डेफिनेशन हमने देखा था अगर दो वैक्टर्स ए और बी हैं उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल, ए वैक्टर मैग्नीट्यूड बी वैक्टर मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और अगर एंगल यहाँ पर जीरो डिग्री होगा तो कॉस जीरो वन और अगर 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 जीरो, तो आंसर जीरो आएगा, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो वन बनेगा ऑप्शन नंबर ए और हम इसे जो है वो मार्क कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि डायरेक्शन एंगल से रिलेटेड है, यानी डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। इसमें जो हमारे पास वेक्टर गिवन है वो उसका एक्स कंपोनेंट जीरो है, वाई कंपोनेंट वन और जी कंपोनेंट जीरो है, यानी ये बात हम जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ अल्फा के, यानी अगर यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो अगर वन हो तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, और y इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ सॉरी y इक्वल टू आ जाएगा कोसाइन ऑफ बीटा और z जो है
वो इक्वल टू आ जाएगा कोसाइन ऑफ गैमा के इक्वल। ठीक है, अब ये बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं। अब जैसा कि गिवन है कि हमारे पास जो एक्स है वो जीरो के इक्वल है, यानी हम यूं कहेंगे कि कॉज ऑफ अल्फा जो है यहाँ पे वो इक्वल है किसके जी, जीरो के। तो आखिर वो कौन सा एंगल है जिसको लिखने से जो है हमारे पास आंसर कोसाइन का जीरो आता है, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। तो अल्फा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री या रेडियंस में पाई बाय टू रेडियन होगा। इसी तरह जो हमारे पास कॉस बीटा है, कोसाइन बीटा है, इसकी वैल्यू आ रही है 1, और कॉस वैल्यू देता है 1 जो कौन से एंगल पे देता है जी, जीरो रेडियन पे। तो बीटा जो है तो जीरो रेडियन है, ठीक है। जबकि अगर हम जो गैमा एंगल है, अगर कोसाइन गैमा की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास जीरो है। तो तब जो गैमा एंगल है वो कितना है, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो सम ऑफ डायरेक्शन एंगल्स बनेंगे, यानी अल्फा बीटा गैमा जो के डायरेक्शन एंगल्स है, इनका अगर सम किया जाए तो अल्फा जो है वो पाई बाय टू है, ठीक है, बीटा जो है वो जीरो है, और गैमा जो है वो भी पाई बाय टू। तो देखें इनका सम क्या बनता है, पाई बाय टू और पाई बाय टू, हाफ हाफ प्लस करके हमारे पास 1 आ जाता है, 1 टाइम पाई। या इनका एलसीएम ले ले तब भी आप देख सकते हैं कि ये 2π/2 बनेगा, तो 2 2 से कैंसिल, पाई आंसर आएगा। ऑप्शन जो सी है, यानी 3 ऑप्शन, ये यहाँ पर हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन बी को हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऑप्शन जो है वो हमारे इतिहास से गलत है। लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर से दिया जाए, या बी का सी से, या सी का ए से, तो ये तीनों तरह से जवाब बराबर आ जाए, तो ये किस सूरत में हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन ए ये कि अगर ए वेक्टर जो है वो बी और सी के सम के बराबर हो, या ये कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सम जीरो हो, या तीसरा ये कि ए बी और सी तीनों ही वेक्टर आपस में बराबर हो, ठीक है। चलें एक बात यहाँ से हम यूँ देखते हैं कि अगर तीनों वेक्टर आपस में बराबर हो, ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि अगर ए वेक्टर जो है वो आई यूनिट वेक्टर के बराबर है, ठीक है, बी वेक्टर जो है वो जे यूनिट वेक्टर के बराबर है, और सी वेक्टर जो है वो के यूनिट वेक्टर के बराबर हो, ठीक है, तो फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि आप जो है वो आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, तो एंगल इन दोनों के दरमियान तो जीरो बन रहा है, और साइन जीरो जीरो होता है, इनटू एन यूनिट वेक्टर जो के वो वेक्टर जो के परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड ए, यहाँ पर तो आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह बी क्रॉस सी भी जीरो होगा, और सी क्रॉस ए, चूंकि सी क्रॉस ए में ए सी के बराबर है, तो सी क्रॉस सी हो जाएगा, ये बी क्रॉस बी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्या अब ऑप्शन ए और बी ये भी इस कंडीशन के हिसाब से दुरुस्त है या नहीं, अब हमने इस बात को देखना है, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा समझते हैं कि आखिर वो कौन सी कंडीशन बन सकती है। बी ऑप्शन को पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर का सम जीरो आ जाए, इसका मतलब ए वैक्टर किसके बराबर होगा, ए वैक्टर जो है वो बराबर होगा किसके जी, माइनस बी माइनस सी के, ठीक है। और अब अगर इस रिलेशन में इस बात को चेक किया जाए कि ए क्रॉस बी क्या बनता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ए की जगह लिख सकते हैं माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं अगर हम बी के साथ, यानी यहाँ पर अगर मैं डिटर्मिनेंट की टेक्निक से इसे एक्सपेंड करूँ, यहाँ मैं आई लिखूँ जे और के, ठीक है, अब इनके कंपोनेंट्स लिख लें अगर हम, मतलब ये मैंने कहा था जैसे बी जे है और सी के है, तो यहाँ पर आई तो जीरो है, ये माइनस वन और माइनस वन आ जाएंगे कंपोनेंट्स, जबकि बी अगर जे है तो फिर आई भी जीरो है और के भी जीरो है। अब इसमें अगर हम जो ये हमारे पास जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, चूँकि थर्ड और सेकंड कॉलम में 5 बनता है सम, इसलिए माइनस का साइन आएगा, और माइनस वन से मतलब वन से अगर एक्सपेंड करें साथ, इसके साथ साइन माइनस का आएगा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट किसका बनेगा, देखें जीरो मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगा, बल्कि यूँ आई मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो माइनस आई आएगा, और जीरो मल्टीप्लाई बाय के जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस आई, हमारा आंसर आई के इक्वल आएगा, ठीक है। अब अगर
हम जब जो हमारे पास सेकंड है बी क्रॉस सी लेते हैं, तो सी बी क्रॉस सी का मतलब क्या है कि हम जे क्रॉस के ले रहे हैं जो कि आई के इक्वल होता है, ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है हमें। और इसी तरह से सी क्रॉस ए जो है, सी क्रॉस ए, इसमें ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस सी वेक्टर, ठीक है। और अब इनकी वैल्यूज को अगर इसी तरह डिटर्मिनेंट से ओपन किया जाए आई जे और के लिखकर, ठीक है, सी के लिए हम 0 0 1 लिखेंगे, जबकि माइनस बी और माइनस सी के लिए माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ पे 0। अब अगर हम इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें, इसमें आई लिखें, ठीक है, ये चूंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब जिस रो जिस कॉलम ये एंट्रीज को छोड़ देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 0 हो जाएगा, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, और चूंकि इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो प्लस 1 आएगा, तो ये आई आ जाएगा वेक्टर। जबकि जे और के जब इनको एक्सपेंड भी करेंगे, या इस इधर से आप देख रहे हैं ये 0 आ रहा है, ये भी एंट्री 0 है, तो ये खुद बा खुद जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 बना दे, तो आंसर आई आ रहा है। इसका मतलब कि बी भी ठीक है और जो सी ऑप्शन है वो भी ठीक है, और ए मैंने चेक किया था ये रॉन्ग था, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसमें हम बोथ बी एंड सी कह रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड था क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ये डिस्कस कर लूँगा।